जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना की फर्स्ट वेव को तो हम लोग भेज चुके हैं और सेकंड वेव को अभी तक भेज। इस दौरान कई लोगों ने अपनी नौकरियां गवा दी, कई लोगों के व्यवसाय ऑलमोस्ट ठप हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखो तो ऑनलाइन हो रही है। काफ़ी सारे चेंजेस आए, बहुत बदलाव आए, लोगों को खाना पर इस टाइम पर मिलना मुश्किल हो गया। कई सारी संस्थाएं, कई एनजीओज हैं जो लोगों के लिए ये काम कर रही हैं कि लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, राशन लोगों घरों तक दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ सेल्फ मेड वॉलंटियर, कोरोना वॉलंटियर्स हैं जो खुद से लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स जम्मू करके एक कोरोना वॉलंटियर्स हैं जो सेल्फलेसली लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना दिया जा रहा है। आज यहाँ पर देखा जाए तो आज यहाँ पर इन्होंने रूह अफ़ज़ा भी लगाया हुआ है, खाना भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस वक्त हम जम्मू के बस स्टैंड में हैं जहाँ पर ये लोगों को खाना देने के लिए आए हुए हैं ताकि कोरोना की जो मार है उससे लोग बच सकें। जिनको जो दो वक्त की रोटी कमाने से भी जा रहे हैं उन्हें भी वो खाना प्रोवाइड हो। आप देख सकते हैं इस वक्त कितना रश है यहाँ पर, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं ताकि उन्हें मील मिल सके। मैं बात करती हूँ यहाँ के हेल्पिंग हैंड जम्मू के जो कोरोना वॉरियर है उनसे, जानते हैं उनसे कि किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत करी और किस तरह से आगे ये चलता रहा। हेलो, आपका नाम? सौरभ। पहले तो जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप कि आप इस तरह से मील बनाकर लेकर आते हैं इस कोरोना पैंडेमिक टाइम में जहाँ लोगों को इतनी मुश्किल आ रही है। बेसिकली मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया है जिसने ये कवर किया और उन लोगों तक हमारी न्यूज़ पहुँचेगी जो ज़रूरतमंद है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को यही मैसेज है कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है ड्राई राशन की, चाहे वो कुक फूड की होगी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आइडिया आया था हमने स्टार्ट करा उससे पहले मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, तो इन बिटवीन जो जो मुश्किलें हमें आई थी तो हमने वो कोशिश करी कि वो लोगों को ना आए, जिसके चलते हमने एक अपने ग्रुप से चेन स्टार्ट करी जो कि सिर्फ 4 या 5 लोगों से स्टार्ट हुई थी। फर्दर वो कंटिन्यू करते करते आज हमारे पास 60-70 लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट करा कि जो कोविड पॉजिटिव आता है हम उनको घर पर ही खाना प्रोवाइड करते हैं, अगर तो घर से बाहर ना आए तो इसलिए चेन टूट पाए, जिसका रिजल्ट हमें बड़ा अच्छा मिला। फर्दर फिर हमने हॉस्पिटल्स में खाना शुरू करा। फिर एक दिन मेरी टीम बस स्टैंड पहुँची और यहाँ पे आके देखा कि यहाँ के लोग भूखे सो रहे थे, तब से हमने यहाँ पे रेगुलर खाना भेजना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है आपको ये सर्विस लोगों को देते? ये सर्विस हमने 23rd अप्रैल से शुरू करी थी, तो एक 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया अभी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? देखिए, रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आ रहा है, पैंडमिक था, लोग भूखे सो रहे थे, हम यहाँ पहुँचे, लोगों तक खाना पहुँचाया, तो रिस्पांस तो अच्छा ही है सर। तो कभी किसी तरह से मदद या आप सेल्फलेसली ये सेल्फ मेड कर रहे हैं सारा? देखिए, हम जो 4 लोग थे हम लोगों ने अपनी सेविंग से स्टार्ट करा था और ये वैसे ही चल रहा था। बीच में कुछ ड्राई राशन की डोनेशन हमें आई थी जो हमने वो ड्राई राशन लिए लोगों से, ताकि ये आगे जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और फर्दर वो सेविंग से ही सारा चल रहा है। तो सौरभ, जिस तरह से आपने बताया कि आप भी इससे पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे, इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हुई थी, इस पैंडमिक टाइम में जो आपने फील किया वो शायद कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हुआ कि और भी भारत में कई ऐसी, भारत में की बात करते हैं, जम्मू में कई ऐसी फैमिलीज हैं जो इस पैंडमिक में भूखे पेट सो रही हैं। तो अब जब आप इस मुहिम से जुड़े हैं, इस कैंपेन से जुड़े हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए मैम, सबसे पहले तो जितने भी कोविड पॉजिटिव आ रहे थे हम लोग उनको प्रेफर कर रहे थे कि हम आपको सब घर पर पहुंचा दें, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो खाना है, चाहे वो फ्रूट्स है, हमने मैक्सिमम लोगों के घर पहुंचे, उनको पहुंचाया। इवन कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जो हॉस्पिटल आने के लायक नहीं थे, कंडीशन वर्स थी, हमारी टीम पूरी पीपी किट पहन के वहाँ पहुँची। विजुअल्स हमारे आप से इंस्टाग्राम के पेज पे सब विजुअल्स हैं, वहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये फर्दर वैसा ही चलता जा रहा है, आगे स्टिल ये चलता रहेगा, जब तक लोगों को ज़रूरत है हम तब तक काम करते रहेंगे। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो इस ये इस मुहिम को चला रहे हैं, इस कैंपेन में आपकी मदद कर रहे हैं? देखिए, ये टीम जो है हमारी 5 टीम अलग अलग एरियाज में जाके सर्व कर रही है,
बस स्टैंड के लिए अलग टीम है, शालामार के लिए अलग टीम है, गांधीनगर के लिए अलग टीम है। तो वी हैव अराउंड 60 मेंबर्स जो ये अभी एक्टिव मेंबर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो आज आप इनके लिए बस स्टैंड के लोगों के लिए क्या ले रहे हैं? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई तो हमने वो पानी वाला जो था वो रू अफजा हमने बढ़ा दिया है, एक तो वो बढ़ाया है, प्लस फर्दर डिनर इनके लिए हम रोज़ भेज रहे हैं, आज भी वही सब आया है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ आप कैंपर में रू अफजा लेकर आए हैं जी, और आपने वो रखे हुए डिस्पोजल्स रखे हुए हैं और लोगों को दे रहे हैं। देखिए मैम, इस टाइम पे इन्फेक्शन का इतना डर था तो हमें भी लगा कि नहीं, वो अगर हम वो जग से सर्व करेंगे तो वो हाथ कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने कैंपर्स रखे हैं जो कि हम दिन के अराउंड 20-30 कैंपर्स रोज़ यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे तो लगभग कितना खाना बनाते हैं, कितनी 450 के जो वो पैकेट्स आते हैं हम रोज़ यहाँ भेजते हैं, बस स्टैंड, शालामार हॉस्पिटल, गांधीनगर, जो होमलेस पीपल हैं जो स्ट्रीट्स पे होते हैं उनके लिए खाना हम वहाँ से भेजते हैं। तो खुद आपने कोई कुक हायर किया हुआ है या लोग भी आपकी इसमें आके मदद करते हैं? देखिए दो कुक हमने अपने पास रखे हुए हैं जो हमारे परमानेंट हैं पिछले 1.5 महीने से, फर्दर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आके सेवा कर रहे हैं हमारे पास और आके खाना बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें 7006909003 पे। मैं एक बार ये नंबर रिपीट कर देता हूँ, 7006909003 पे। अगर आपको किसी खाने की ज़रूरत पड़ती है, ड्राई राशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो ये था सौरभ शर्मा जिन्होंने हेल्पिंग हैंड जम्मू करके एक टीम बनाई है जो लोगों को खाना प्रोवाइड करती है। जम्मू के 5 ऐसी जगह हैं जैसे हॉस्पिटल, GMC हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ पर ये जाकर उन लोगों तक राशन पहुँचाते हैं, उन लोगों तक खाना पहुँचाते हैं जिन्हें कोई भी खाना खाने का। तो आज ये यहाँ पर राशन लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ, आज ये राशन लेकर आए हैं और अपने साथ रू अफजा भी बनाकर लेकर आए हैं ताकि खाने के साथ साथ उनको उनकी प्यास भी बुझाई जा सके। काफ़ी रश है, इनकी टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हर कोई जो यहाँ पर है, कोई भी भूखा रह रहे हैं, सबको ये खाना मिले, पूरी शिद्दत से ये कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा लगता है कि ऐसे यूथ, ऐसे यंगस्टर अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं ताकि कोविड के टाइम में लोगों की पूरी तरह से मदद हो सके। वाकई में इंसानियत आज भी जिंदा है। रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर से JK न्यूज़ टुडे की तरफ से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रहिए, रखिए, जितना हो सके घर से कम बाहर निकले और पूरे SOPs का पालन करें। धन्यवाद।